नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई हैं? इसका सही जवाब है ब्यास। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? इसका सही जवाब है झेलम। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। देखते हैं सबसे पहले किसका सही जवाब आता है। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां हैं? इसका सही जवाब है पार्वती और ब्यास। जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? इसका सही जवाब है बाणासुर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है पुरुषनी। बुद्धिल धारा का उद्गम होता है? इसका सही जवाब है मणिमहेश से। चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है ब्यास नदी पर। निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब है अली। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? इसका सही जवाब है कूपर चोटी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।